तेरे को बेइज्जती लगी होगी ना, माफ कर दे मुझे। मैंने कहा है कि गांधी जी भी जेल गए थे और फिर हमको आजादी मिली। हाँ हाँ मालूम है, चल उठ नहा के फिर नाश्ता कर ले। हाँ विठल, मुझे मालूम है तुझे आज अकेले रहने का मन नहीं कर रहा ना, मैं छुट्टी ले लूँ? नहीं नहीं, उधर भी एक बच्ची तेरा इंतजार कर रही। आज कल्पी को मेरे पास रहने दे। तू दिन भर संभाल सकेगा उसको? तुझे भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा क्या? तुझ पर तो अपने आप से ज्यादा भरोसा है विठल, ये तो तेरी राजकुमारी है, तेरे साथ रहती है तो मस्त रहती है। मैं काम पे जल्दी जाके जल्दी वापस आएगी विठल। नीतू, आज हमको मैंने मिस्टर मिसेस श्रीवास्तव को बुलाया डिनर में। साहिला नीरव ब्रेक, अब कुछ ही दिन पहले तो डिनर शिनर लंच वंच सब हुआ है। अरे नीतू, बहुत बड़े मिस्टर हैं, बिजनेस कम पर्सनल डिनर है वो, उनको बाहर लेके नहीं जा सकते। तुम्हारी कमला भी नहीं आई है अभी तक और मुझे नहीं लगता अभी आएगी वो। अरे पाकी तो कमला के बगैर सुबह से रो ही जा रही है। वो कमला बाई को याद करके नहीं रो रही है मम्मी जी, कि माँ है उसके पास। तो किट्टी पार्टी में जाएगी तो पाकी को साथ लेके जाएगी क्या? तो तुम किट्टी पे जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अपनी बच्ची को गोद में लेके अंदर बैठी हूँ बस, और मुझसे ये शाम का डिनर विनर नहीं ऑर्गेनाइज होगा। नहीं तो मैं इनवाइट कर चुका श्रीवास्तव जी को और मैं कैंसिल नहीं कर सकता। नमस्ते साहब। नीतू आ गई है कमला भाई, आई एम श्योर ये थोड़ी देर रुक जाएंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। क्यों कमला भाई? अरे कमला, कल्पना को नहीं लाई बेटा? नहीं मम्मी जी, वो क्या जानबूझ कर अब कहेगी इसलिए जल्दी घर जाना है। नहीं मैम साहब, वो कल्पी को जानबूझ कर घर पे छोड़ा है, विट्ठल को अच्छा लगेगा ना इस वक्त। हाँ ठीक है ठीक, लेकिन मैं अभी से कह रही हूँ, तूने सुना ना साहब ने क्या कहा, आज तुझे थोड़ी देर तक रुकना होगा। आज तो तेरे फरिश्ते भी रुकेंगे कमला, देखती हूँ तू जल्दी घर कैसे जाती है। कमला ये हो जाए ना तो जरा कटलरी को अच्छे से चमका देना, बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं आज, कटलरी एकदम चमचमाती दिखनी चाहिए। वो इतना टाइम हो गया है, मैं भी जरा तैयार हो जाऊँ। कमला मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, पुकी का जरा ध्यान रखना ठीक है? पापा कल्पी क्यों रो रही है? पता, पहली बार कल्पी बिना आई के रह रही है ना, तो आई की याद आ रही। अब आप आ गई है तो मैं जाऊं? अभी अभी तो मेहमान आने वाले हैं, मेहमानों की देखभाल कौन करेगा? घर में कल्पना को अकेला छोड़कर आई थी विठल के साथ, इतना देर हो गया वो। कमला मैं समझ रही हूँ, मैं नीचे धर्मेंद्र से बात करके ही आई हूँ। तू एक काम करना, तू एक दूध की बोतल बना देना अपनी बच्ची के लिए, धर्मेंद्र छोड़ाएगा तेरे घर। चल तू बना ले दूध की बोतल ठीक है? विठल क्या सोचेगा देवा? ले 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 बोतल ले ले। चलो विठल भाई मैं चलता हूँ, थोड़ा जाना है। नींद आ रही है क्या इसे? नहीं जी वो ऐसे ही। कमला भाई बेबी को लेके जाओ। मैं इसे सुला देती हूँ। बहुत अच्छी बाई मिली है आपको, बच्चे के साथ तो जैसे माँ ही हो, वरना इतना छोटा बच्चा कहाँ किसी की गोद में जाके चुप होता है सिवाय अपनी माँ के। आप बहुत लकी हैं मिसेस कपूर। वैसे ये बात तो सही है, कमला भाई को तो जैसे भगवान ने हमारे घर भेजा, अगर कमला भाई ना होती तो ना जाने हमारा क्या होता।